भारत दर्शन के इस क्रम में आइए आज आपको लेकर के चलते हैं अजगरा की ओर। अजगरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और प्रतापगढ़ शहर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से सटा हुआ यह स्थान है। रानीगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह अजगर बाबा का ये प्रसिद्ध पौराणिक स्थल मौजूद है। बहुत ही शांत और बहुत ही स्वच्छ यह स्थल है। द्वापर युग के अंतिम समय में बनवासी पांडव यहां पर आए थे। यह मंदिर का उस स्थल का मुख्य प्रवेश स्थल। यहीं पर राजा नहुष का विख्यात सरोवर है जिसका जल पीने से 4 पांडवों की मृत्यु हो गई थी। सरोवर के किनारे स्थित विशाल वृक्ष पर रहने वाले यक्ष के कठिन प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर देकर युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों का जीवन वापस प्राप्त किया था। अजगरा रानीगंज का यह स्थल आज विश्व विख्यात है। हर साल यहां पर विशाल एवं भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और मान्यता है कि हर साल मेले में अजगर बाबा अपना दर्शन जरूर लोगों को देते हैं। ये राजा नहुष का वो विख्यात सरोवर आदिकाल में देव दैत्य दानव राक्षस यक्ष गंधर्व बानर रीच भल्ल अप्सराएं जैसे तमाम प्रजातियां रहती थीं और इस जगह का संबंध यक्ष से है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के रूप में यह जाना जाता है और ये जो आज आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष का अवशेष जो आज पत्थर का रूप ले चुका है जिसकी खोज निर्झर प्रतापगढ़ी ने किया था और पुरातत्व वेत्ताओं द्वारा उसकी प्राचीनता की गणना करके उसे प्रमाणित कर यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ये वो सवाल हैं जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, पृथ्वी से ऊंचा स्थान किसका है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया माता का। ऐसे ही कुछ सवाल जिनके जवाब भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। भारत दर्शन के इस क्रम में आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ महाभारत काल से जुड़ी हुई एक प्राचीन जगह के पास। ये वो जगह है जहां पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था। आप सबको पता है कि जब पांडवों को जो है वनवास हुआ था उस वनवास के दौरान भटकते भटकते वो इस जगह पर पहुंचे और जब उनके भाइयों को बहुत प्यास लगी थी वो एक एक करके यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं और यक्ष उनसे कुछ सवाल करता है लेकिन यक्ष के उस सवालों का जवाब दिए बगैर वो सब पानी पीने लगते हैं और एक एक करके सब मूर्छित हो जाते हैं। तभी युधिष्ठिर यहाँ पर आते हैं और वो यक्ष के सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं और जवाब देकर के खुद पानी पीते हैं और अपने सारे भाइयों को जीवित करते हैं। यहाँ के बारे में एक कहानी प्रचलित है। राजा नहुष जो कि एक समय उन्होंने इंद्र के आसन को प्राप्त कर लिया था और इंद्र के आसन को प्राप्त करने के बाद इंद्र की जो महारानी सची थी उनको देखकर वो मोहित हो गए और उसे अपने महल में ले जाने की जिद करने लगे। रानी सची ने कहा अगर आप सप्त ऋषियों से सजी पालकी लेकर के आएंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। राजा नहुष पालकी लेकर के सप्त ऋषियों के साथ जा रहे थे। उन्हें बहुत व्याकुलता थी, बहुत जल्दी थी और इसीलिए बार बार ऋषियों को जो है जल्दी चलने के लिए कह रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको सर्प होने का श्राप दे दिया और यही वो जगह है जहां पर वो सर्प बनने के बाद अजगर बनने के बाद इस जगह पर गिरते हैं। बहुत मिन्नतें की उन्होंने दुर्वासा ऋषि से तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित यहाँ पर आएंगे और उन्हीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो साथियों ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विरासत है। प्रतापगढ़ के अंदर यह स्थित जगह रानीगंज अजगरा के नाम से विख्यात है। पौराणिक काल से यहाँ पर प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है और दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और पांडवों की से जुड़ी हुई जो विरासत है
यही के कुछ नजदीक थोड़ी दूर पर ही एक हंडौर नाम की जगह है, जिसे कहा जाता है कि वो हिडिंबा का स्थान था, जहां पर हिडिंबा रहा करता था। तो ये पांडवों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर पांचों भाई यहां पर आए थे। आज भी वो उस जो पेड़ था जिस पर यक्ष निवास करता था, उस पेड़ के अवशेष आज भी यहां पर मौजूद हैं। तमाम सारी पुरातत्व अवशेषों से यह पता चला कि वो पेड़ 2000 वर्ष पुराना ही यहां पर ब्राह्मी लिपि में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का नाम भी अंकित है। स्थल धन्यवाद लालगंज तहसील के अंतर्गत आता है। दूर दराज से लोग यहां पर महाभारत काल के इस पौराणिक स्थली को देखने के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर और सुरम्य स्थान। और अगर आप भी द्वापर युग से जुड़ी हुई, महाभारत काल से जुड़ी हुई इस घटना को देखने आना चाहते हैं तो आप जरूर आएं और देखें कि हमारा जो विरासत थी वो कितनी समृद्ध और शक्तिशाली थी। यहाँ से कुछ दूर पर ही हिडिंबा का स्थल, जो आज हंडौर कहा जाता है, वो भी स्थित है और उसका भी संबंध महाभारत काल से है। एक बार अजगरा आइएगा जरूर। धन्यवाद।